आपको कक्षा 11वीं आरओ स्पीति में वारिस के बारे में बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। इसके जो लेखक हैं कृष्णनाथ, उनका मैं जीवन परिचय के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं और उनके बारे में समझा रहा हूं। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में वारिस, पृथ्वी, परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन इन्होंने किया है। इनको जो सम्मान मिला है, लोहिया सम्मान। मृत्यु इनकी हुई है सन 2016 में। कृष्णा नाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्य पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैन काइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीतिक पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन ब्रजयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वेतांत जैसी विद्या अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते वहां वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क समा अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। वे आए, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उनसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ के यात्रा वेतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा इतिहास पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगते हैं। वे लोग जो
इन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। वे अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा, उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के साथ यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई। स्पीति में बारिश पाठ का एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, स्पति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति में बारिश का जो सारांश है, मैं इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। स्पीति में बारिश बौद्ध दर्शन के मर्म कृष्णनाथ द्वारा लिखित पर्वतीय यात्रा का वृतांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित एक घाटी है, जो सन 1966 में हिमाचल प्रदेश के उत्तरी छोर का जिला बन गई। यह भारत का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। लेखक ने अपने वृत्तांत में वहां की पहाड़ियों की ऊंचाई, घाटी का क्षेत्रफल, जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, नदी, भूगोल, लोगों के कठिन जीवन आदि का अति मर्मिक ढंग से वर्णन किया। वहाँ जीवन बहुत कठोर है, केवल युवा वर्ग वहाँ पहुंचकर बूंदों भरी एक सुखद बारिश जैसे आनंद वहाँ के वातावरण में भर सकता है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण स्पीति इतिहास में कम रहा। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास होने पर इसे विशेष दर्जा मिला। यहाँ का प्रशासन अधिकारी नोनो था, जो मालगुजारी वसूल करना तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों के फैसले करता था। स्पति 31, 42 और 32, 59 अक्षर, उत्तर और 77, 26 और 78, 42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके चारों ओर 18,000 फीट ऊंचे पहाड़ इसे तिब्बत, लाहुल, किन्नौर और लद्दाख से अलग करते हैं। यहाँ स्पीति का पारा नाम की नदी के साथ पिन नाम की घाटी भी है। यहाँ प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं, जो वर्ष में 9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं, लकड़ी के अभाव में ठिठुरते हैं। अन्य क्षेत्रों से संपर्क का माध्यम केवल वायरलेस सेट है। प्राचीन काल में शायद स्पति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही, इस प्रकार हमेशा स्वच्छ रही है, जिसे भूगोल ने बनाया है। विपत्ति से बचने के लिए लोग आंख बंद कर चगमा का तना पकड़कर बैठ जाते हैं या घर छोड़कर भाग जाते हैं। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार इसका क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है, ऊंचाई 12,986 फीट है। 2002 की जनगणना के अनुसार लाहुल स्पीति की जनसंख्या 34,000 थी। स्पीति को उत्तर में माला राचा श्रेणी में, दक्षिण में
माने श्रेणी ने घेर रखा है। माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मन ओ मणि पद्मे हूँ बीज यंत्र के ऊपर जो लिख रखा गया है। स्पति में दो ही ऋतु होती हैं, जून से सितंबर तक की अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा तापमान 15 सेंटीग्रेड हो जाता है। अक्टूबर से मई तक 8 महीने शीत ऋतु रहती है। जनवरी में औसत तापमान 8 रिकॉर्ड किया गया है। वसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना गंध होती है। सर्दियों में नदी नाले जम जाते हैं, तेज ठंडी हवा सूल की तरह चुभती है। स्पीति में वर्षा ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ तक का मानसून आता ही नहीं। कालिदास के ऋतु संहार ग्रंथ में जो वर्षा का वर्णन है, उसे यहाँ के लोग नहीं समझ सकते हैं। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूं, मटर और सरसों का उत्पादन होता है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। मटर और सरसों के अतिरिक्त कोई सब्जी नहीं होती है। वर्षा की कमी के कारण पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए स्पीति नंगी और वीरान है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे नहीं है। पाठ के अंत में लेखक ने बरसात की सुखद घटना का वर्णन किया है। वे काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, तो लगा कोई खिड़की खटखटा रहा है। रात्रि का अंतिम पहर था। लैम्प की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला। तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। आड़ से देखा तो वर्षा हो रही थी, तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। सुबह लेखक उठा और चाय पीने लगा। चाय पीते हुए सुना कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं, क्योंकि स्पति घाटी में बहुत दिन बाद वर्षा हुई थी। बच्चों, स्पति में वर्षा जो पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, अधिक ऊंचाई होती है, आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वहाँ इंसान का जीवन कितना कठिन होता है, कितनी समस्या रहती है उनके लिए। लकड़ी का अभाव रहता है, वर्षा नहीं होती है। इस बारे में लेखक ने बहुत ही अच्छे और मार्मिक ढंग से स्मृति में वर्षा का जो शब्द दिए हैं, जो वर्णन किया है, वह बहुत ही सुखद है। और लेखक की जो एक बहुत अधिक विशेषता है कि उनका जो लेख है, जो पाठ है, तो जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वह उनके साथ इतने अधिक तल्लीनी से, आत्मीयता से जुड़ जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वह उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो बच्चों, स्पति में वर्षा के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, और कृष्णनाथ का जीवन परिचय भी आपको बता चुका हूँ, सारांश भी बता चुका हूँ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, और कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो मेरे से